ये हम भी हाजिर हो गए। तो आप इब्तदा, अच्छा चलिए, आज बात बनी कि नहीं बनी? नहीं बनी। जावेद भाई सलाम अलैकुम। हाजरीन सलाम अलैकुम, मैं फरमान हैदर चैनल ट्रू के माध्यम से आपसे एक बार फिर रूबरू हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि अमरोहा फाउंडेशन पिछले 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया है कि हम हर संडे एक ऑनलाइन मशायरा कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में पिछले 6 महीने से तो हम हर मशायरा आलमी मशायरा कर रहे हैं। आज के जो मशायरे की सदारत कर रहे हैं वो जावेद बदायूनी साहब कर रहे हैं, और आज की जो निजामत करेंगे वो हमारे बहुत करीबी दोस्त और कश्मीर में उर्दू का अलम लेकर सबसे आगे आगे चलने वाले इरफान आरिफ साहब। मैं बिना किसी तमहीद के इरफान आरिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि इरफान आरिफ साहब आए और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और मशायरे का आगाज करें। बिस्मिल्लाह इरफान भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज वाकई फरमान हैदर भाई ने बहुत ही इख्तसार से काम लिया, अगर हम अमरोहा फाउंडेशन की बात करें, ये सिर्फ मुशायरे ही नहीं कराए हैं इन्होंने, बेहतरीन इन्होंने सेमिनार भी कराए हैं और फलाहो बहबूदी के हवाले से भी बहुत सारे काम इन्होंने सर अंजाम दिए हैं, इस खास करके कोरोना के इस दौर में जहां इंसान एक दूसरे से भाग रहा था, इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म अता किया हमें कि हम एक दूसरे से मुंसलिक रहे, जुड़े रहे, प्रोग्राम करते रहे, बात करते रहे, एक दूसरे के मसाइल डिस्कस करते रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने ख्याल दूसरों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। तो इसके लिए भी मैं अमरोहा फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं फरमान हैदर भाई का। जैसा कि हुक्म हुआ है कि आज के मुशायरे की सदारत जो है मोहतरम जावेद बदायूं साहब कर रहे हैं, और मुशायरे के जितने भी शायर हैं या शायरात हैं, मैं एक बार उन सब का इसमें गिरामी यहाँ पढ़ूंगा। उससे पहले मैं यूं ये कहना मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आज जिन शख्सियात को मैं यहाँ देख रहा हूँ, यकीनन फरमान भाई आपने अहद साज शख्सियात को यहाँ जमा किया है। जो अब तक मेरी स्क्रीन में सामने आ रहे हैं उनमें राकेश दिलवर साहब, तलत मुनीर साहब, गौहर नकवी साहब, उसके बाद है इफ़त जहरा रिजवी साहिबा, डॉक्टर गुलाम जिलानी साहब, इशरत साहब, इशरत साहिबा, आप सबको मैं अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ, और आपकी मौजूदगी ही मेरा ये शेर बाइस बना है कि तुम हुए मेहमा तो रंगे बामोदर अच्छा लगा, तुम हुए मेहमा तो रंगे बामोदर अच्छा लगा, आज पहली बार हमको अपना घर अच्छा लगा। तो मैं आज के इस मुशायरे का आगाज करने से पहले जावेद बदायूं साहब आपको सदारत की जिम्मेदारी सौंपते हुए मुशायरे का आगाज करने की इजाजत भी चाहूंगा। बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब चूंकि वक्त का ज़ाया ना करते हुए जो फहरिस्त मेरे सामने है उसमें मैं, वैसे भी कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, तो आज इस मुशायरे का आगाज हम इससे पहले के इफ़त जहरा रिजवी साहिबा से करें, मैं अपने भाई, अपने दोस्त जो जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ की तहसील मैंडर से जुड़े हैं, डॉक्टर गुलाम जिलानी, तो भाई मैं आपसे यही इल्तिजा करता हूँ कि आज की इस महफिल का आगाज अगर हम नाते शरीफ से करें तो बेहतर होगा। आप एक बेहतरीन शायर भी हैं, गजल आप तरन्नुम में पढ़ते ही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप नाते रसूल पाक से आगाज करें। तो बिस्मिल्लाह। गुलाम जिलानी साहब उर्दू के बेहतरीन स्कॉलर और इस वक्त शोबा उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जी मां, नाते रसूल मकबूल बहजूर सरवरे कायनात। अपना मोबाइल जो है लंबा कर ले, मोबाइल अपना नहीं होगा, अब नहीं होगा, खराबी होगी। जी जिलानी भाई। हाँ चलिए, इसको ऐसा ही इसी पे इक्तफा कीजिए। चलिए, एक कोशिश तो मैं कर भी चुका हूँ। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले,
मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। तेरी जब के दीद होगी जब ही मेरी ईद होगी, जब के दीद होगी जब ही मेरी ईद होगी, मेरे हाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। बहुत अच्छे भाई, तुम आना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। मुझे सब सता रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं, मुझे सब सता रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं, तुम ही हौसला बढ़ाना मदनी मदीने वाले। बढ़ाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। तू है बेकसू का यावर ए मेरे गरीब परवर, बेशक बेशक तू है बेकसू का यावर ए मेरे गरीब परवर, है सही तेरा घराना मदनी मदीने वाले। मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। तेरी फर्श पर हकूमत, तेरी अर्श पर हकूमत, तेरी फर्श पर हकूमत, तेरी अर्श पर हकूमत, तू शहंशाह ज़माना बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, शहंशाह ज़माना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। मेरी आने वाली नस्ले तेरे इश्क ही में मचले, मेरी आने वाली नस्ले तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी जब के दीद होगी
जब ही मेरी ईद होगी, तेरी जब के दीद होगी, जब ही मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, ओ मदनी मदीने वाले, ओ मदनी मदीने वाले। सलामत रहिए साहब, गिलानी साहब, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। बहुत मुबारक, बहुत बहुत सलाम, अल्लाह आपको दराज अता करे। रसूल अकरम की बात हो या फिर कुरान मजीद की, वल्लाह अजब साहिब तौकीर है कुरान, एक कातब तकदीर की तहरीर है कुरान, अलहमदो से वन्नास तलक हक का है चर्चा, सरता बकदम नाराय तकबीर है कुरान। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम पहले इफ़त जहरा रिजवी साहिबा को सुनेंगे और फिर यकीनन आपसे गज़ल भी सुनेंगे, और अब मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर इफ़त जहरा रिजवी साहिबा से, जो जदीद इस वक्त शेरी मंजर नामा शायरात का है, उनमें जो नौजवान आवाज़ें हैं उनमें एक ख़ास आवाज़ इफ़त जहरा रिजवी साहिबा की है, तो मैं बसद खलूस आपको दावत सुखन देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया इरफान आरिफ साहब, सबको सलाम मेरी तरफ से, आदाब। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अमरोहा फाउंडेशन की और उसके अलावा फरमान हैदर साहब की, गौहर नकवी साहब की, कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना कलाम पेश कर सकूं। तो मैं गजल से शुरुआत करना चाहूंगी। जी बिस्मिल्लाह। ये शहर ये दरो दीवार अलग लगते हैं, ये शहर ये दरो दीवार अलग लगते हैं, तेरे दरबार के मेयार अलग लगते हैं। क्या कहना, दरबार के मेयार अलग लगते हैं। बहुत शुक्रिया। हर तरफ ही है अजब शोर ढोल ताशों का, हर तरफ ही है अजब शोर ढोल ताशों का, इस जगह के मुझे फनकार अलग लगते हैं, इस जगह के मुझे फनकार अलग लगते हैं। बहुत शुक्रिया। है खबर सिर्फ झूठो फितना की, है खबर सिर्फ झूठो फितना की, जाने क्यों मुझको ये अखबार अलग लगते हैं, जाने क्या कहने। बदले बदले से हैं हम साए अजब आलम है, बदले बदले से हैं हम साए अजब आलम है, आजकल के मुझे आसार अलग लगते हैं, आजकल बहुत अच्छा है। क्या कहें, शुक्रिया शुक्रिया। बेवफा हो गए अब वो वफा के बदले में, बेवफा हो गए अब वो वफा के बदले में, क्या कहूँ दोस्त मेरे यार अलग लगते हैं, क्या कहूँ मेरे यार अलग लगते हैं। और मुलाहिजा फरमाइएगा, कोई कहता है गजल गर तो उसे कहने दो, कोई कहता है गजल गर तो उसे कहने दो, बिखरे बिखरे से ये अशआर अलग लगते हैं, बिखरे बिखरे अशआर अलग लगते हैं। और मक्ता पेश कर रही हूँ, तानाशाही है बहुत आम कहे क्या इफ़त, तानाशाही है बहुत आम कहे क्या इफ़त, हैं जो हाकिम मेरे सरकार अलग लगते हैं, हैं जो मेरे सरकार। क्या कहें, बहुत शुक्रिया। सदरे मोहतरम की इजाजत हो तो एक मुख्तसर सी गजल और पेश कर दूं। जी जी इरशाद, बहुत शुक्रिया। मुलाहिजा फरमाइएगा, इश्क लिखूं या इबादत लिखूं, इश्क लिखूं या इबादत लिखूं, मुख्तसर ये कि कयामत लिखूं, मुख्तसर कोई पूछे जो मोहब्बत क्या है, कोई पूछे जो मोहब्बत क्या है, खुद से खुद की ही अदावत लिखूं, खुद से खुद की अदावत लिखूं, कोई पूछे मोहब्बत क्या है, खुद से खुद की ही अदावत लिखूं। बहुत
महफिल में मेरा चर्चा है, तेरी महफिल में मेरा चर्चा है, क्या तेरी छोटी सी शरारत लिखूं, क्या तेरी छोटी सी शरारत लिखूं। दे इजाजत अगर तू मेरे सनम, दे इजाजत अगर तू मेरे सनम, इश्क की आज इबारत लिखूं, आज इबारत लिखूं। हर तरफ झूठ की महफिल है सजी, हर तरफ झूठ की महफिल है सजी, किस तरह दिल की सदाकत लिखूं, किस तरह दिल की सदाकत लिखूं। और बतौर खास ये शेर मुलाहिजा फरमाइएगा, जिंदगी तेरा बयां कैसे हो, जिंदगी तेरा बयां कैसे हो, मौत की दी हुई मोहलत लिखूं, मौत की मोहलत लिखूं। और मकता पेशा खिदमत है, आज सुनते हैं लोग इफ्फत को, आज सुनते हैं लोग इफ्फत को, रब की अपने ये इनायत लिखूं, रब की अपने ये इनायत लिखूं। बहुत 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 शुक्रिया इफ्फत जहरा साहिबा, ये आवाज हम सुन पा रहे थे इस वक्त सऊदी अरब से, और आपने देखा कि कितनी खूबसूरत गल्फ कंट्री से, यानी कि जिसे हम अरबी जुबान का गहवारा कहते हैं, वहां से उर्दू की इतनी शाइस्ता जुबान हम तक पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम जिलानी, मेरे भाई जम्मू से ताल्लुक रखते हैं, मैंने पहले ही कहा कि उर्दू शोबे में लेक्चर के फराइज़ अंजाम दे रहे हैं, एमफिल किया है, पीएचडी कर चुके हैं, यूं ही मैं डॉक्टर कह रहा हूं। तो किताबियात का जो सिलसिला है, चाहे वो असरी आगही का शायर अर्श सहबाई, और इसके अलावा इन्होंने लिखा है शाह जिंदा बहादुर शाह जफर, अर्श सहबाई जाती लताइफ के आईने में, कैसर कसर अदब, तो गज़ल के साथ साथ नावल पे भी ये काम कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा आप और इनके दरमियान में रहते हुए गुजारिश करता हूँ जिलानी भाई कि आप अपने गज़लिया कलाम को लेके हाजिर हों। बहुत बहुत आवाजिश। बग़ैर किसी तमहीद के और बग़ैर समा हराशी किए मैं अपनी एक गज़ल की तरफ आता हूँ, तरन्नम के साथ जो मैं पेश करना चाह रहा हूँ, सदरे मुशायदा की इजाज़त हो तो मैं हाजिर करता हूँ। बिस्मिल्लाह। सदर साहब अपना माइक खोल लिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इशादे आली, इशादे आली खुल गया भाई। जी जी जी। फरमा जो मुझ पर गर्दशे अय्याम हो जाए, करम फरमा जो मुझ पर गर्दशे अय्याम हो जाए, बड़ा पुरलुत्फ इस अफसाने का अंजाम हो जाए, अच्छा है बहुत, बड़ा पुरलुत्फ इस अफसाने का अंजाम हो जाए, इसी सूरत में उसके आस्तां पर सर झुकाता है, इसी सूरत में उसके आस्तां पर सर झुकाता है, बशर जब जिंदगी में बेतरा नाकाम हो जाए, क्या बात जब जिंदगी में बेतरा नाकाम हो जाए, करम फरमाए जो मुझ पर गर्दशे अय्याम हो जाए, बड़ा पुरलुत्फ इस अफसाने का अंजाम हो जाए। शेर देखे हटाओ की माँ आँखों से मेरी इतनी गुजारिश है, किसी की मस्त आंखों से मेरी गुजारिश है, मोहब्बत का हसी मौसम
है दोरे जाम हो जाए, है दोरे जाम हो जाए, करम फरमा जो मुझ पर गर्दशे अय्याम हो जाए। कड़े हैं मरहले इस जिंदगी के वो अगर आए, कड़े हैं मरहले इस जिंदगी के वो अगर आए, बड़ी तस्कीन मिल जाए, बहुत आराम है। बड़ा आराम हो जाए, करम फरमा जो मुझ पर गर्दशे अय्याम हो जाए, बड़ा पुरलुत्फ इस अफसाने का अंजाम हो जाए। ये पूरी हो न हो लेकिन यही है आरजू मेरी, पूरी हो न हो लेकिन ये पूरी हो न हो लेकिन यही है आरजू आरजू मेरी, तेरी जुल्फों तले इस जिंदगी की शाम हो जाए, तले इस जिंदगी की शाम हो जाए, करम फरमा जो मुझ पर गर्दशे अय्याम हो जाए, आपुर लुत्फ इस अफसाने का अंजाम हो जाए। मेरा सब कुछ है वो उस पर, मैं जानो दिल उतराता हूँ, मेरा सब कुछ है वो उस पर, मैं जानो दिल लुटाता हूँ, मेरी ये जिंदगी उस बेवफा के नाम हो जाए, जिंदगी उस बेवफा के नाम हो जाए, करम फरमा जो मुझ पर गर्दशे अय्याम हो जाए, बड़ा पुरलुत्फ इस अफसाने का अंजाम हो जाए। माशाल्लाह हाजिर करता हूँ जनाबे अर्श के दामन से वाबस्ता है जब यकता, जनाबे अर्श के दामन से वाबस्ता है जब यकता, किसी सूरत नहीं मुमकिन के वो गुमनाम हो जाए, किसी सूरत नहीं मुमकिन के वो गुमनाम हो जाए, करम फरमा जो मुझ पर गर्दशे अय्याम हो जाए, बड़ा पुरलुत्फ इस अफसाने का अंजाम हो जाए, बड़ा पुरलुत्फ इस अफसाने का अंजाम हो जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम जिलानी भाई, बहुत ही खूबसूरत कलाम और उतनी ही खूबसूरत लय तरन्नुम, माशाल्लाह, अल्लाह करे ज़ोरे कलम और ज्यादा, बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं इल्मी अदबी हलकों में जो मशहूर और मारूफ एक आवाज़ है इस्लामाबाद पाकिस्तान से, मेरी मुराद मोहतरम तलत मनीर साहब से है।
अक्सर व बेशतर मैंने इन्हें मुशायरों में ही सुना है। अल्लाह करे कि ये हालात अच्छे हों, हम कभी रूबरू भी आए। तो मैं बसद खलूस तलत मुनीर साहब आपसे मुल्तमिस हूँ कि अपने कलाम को लेके हाजिर। बहुत बहुत नवाजिश जनाब खान साहब। मैं सबसे पहले मोहतरम फरमान हैदर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे गालबन तीसरी दफ़ा इसमें शिरकत का मौका अता फरमाया, और अमरोहा फाउंडेशन के आपके जो YouTube है उस पर भी आपके दीगर लोगों के जो तकरीबात होती हैं वो मैं देखता रहता हूँ। साहिब सदर की इजाज़त से गज़ल से पहले एक शेर पेश करूंगा और उसके बाद दो शेर और मुख्तसर नज़र। जनाब इजाज़त जी। मोहतरम बिस्मिल्लाह। बहुत नवाजिश। एक शेर पेश खिदमत है कि काटी है उम्र भागते पंजों के बल मुनीर। वाह वाह वाह। एक उम्र काटी है उम्र भागते पंजों के बल मुनीर, फुर्सत न थी कि फर्श पर एड़ी लगा सकूं। काटी है उम्र भागते पंजों के बल मुनीर, फुर्सत न थी कि फर्श पे एड़ी लगा सकूं। क्या कहने। और गजल से पहले जनाब सदर की तरफ से इजाजत मिले तो दो तीन अशार और पेश करना चाहूं। नवाज़िश। इस कदर खामोशियां के होंठ पत्थर हो गए। पत्थरों की शहरगों में जिंदगी उतरेगी कब। बहुत शुक्रिया। और इस सुकूते मर्ग में तो लफ्ज नीले पड़ गए, इस सुकूते मर्ग में तो लफ्ज नीले पड़ गए, हुरमते अल्फाज पर अब आगही उतरेगी कब। बहुत शुक्रिया। और गहरे जी गहरे सन्नाटे की इस दीवार को तोड़ेगा कौन। गुमशुदा आवाज पर फिर सरकशी लौटेगी कब, उतरेगी कब। बहुत नवाजिश। गजल पेश करता हूँ कुछ अशार हज़्फ़ करके। अर्ज किया है मतलब है एजाज़े गुफ्तगु मुझे हरफे निहां के साथ, है एजाज़े गुफ्तगु मुझे हरफे निहां के साथ, इदराक की हुदूद से आगे गुमा के साथ। बहुत शुक्रिया। और एक रक्से लामकां के इल्हामे रूह मन, एक रक्से लामकां के इल्हामे रूह मन, हर रम्ज रूबरू मेरे कोनो मकां के साथ। बहुत शुक्रिया। बहुत नवाज़िश। और ये सजदाए सुखन है के हर लफ्ज की जबीं, ये सजदाए सुखन है के हर लफ्ज की जबीं, बिस्मिल है आज खाक पे अश्के रवां के साथ। बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और शेर जनाब फरमान हैदर भाई की नजर करता हूँ कि मंजर जो वसल का है उफक पर सराब है, मंजर जो वसल का है उफक पर सराब है, मिलती नहीं जमीन कहीं आसमां के साथ। वाह। और एक रिश्ता वजूद है
मेरा जो मेरे साथ, एक रिश्ता वजूद है मेरा जो मेरे साथ, निस्बत वही जमीन को भी है आसमान के साथ। बहुत बहुत अच्छा इनका भी इस्तकबाल करता हूँ अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से। हिंदो पाक की दो अलग अलग शख्सियात दोनों एक साथ तशरीफ लाई, इफ़त ज़रीन साहिबा और अंजुम उस्मान साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा ही शहर है, हम लोग तो जुड़े रहते हैं। जी 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 जी। अब मैं राकेश दिलबरपुरी के हजूर आता हूँ और उनके लिए मैं यही कहूँगा कि चाहे वो जगन्नाथ आज़ाद हों या के हज़ार हाँ नाम हैं, मैं कितने नाम गिनाऊँ सब हम जानते ही हैं, चाहे ब्रिज नारायण दत्ता कैफी हों, फिराक गोरखपुरी हों, बेशुमार, यानी अगर हम ऐसे नाम गिनने शुरू करें तो वो एक फहरिस्त जो है जाके राकेश सुल्तान दिलबरपुरी तक आती है। मेरे बड़े भाई हैं, खूबसूरत कलाम हिंदी उर्दू दोनों में एक साथ इनके हमें फेसबुक पर पढ़ने को मिलते हैं, और बेहतरीन लबो लहजा, जो नया डिक्शन, जो नई असलूबियात शेर के हवाले से हैं, जमाने को, ज़ात को, शेर को। मैं सदर मोहतरम की ये नज़र दो चार लफ्ज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनको दो चार बार सुन चुका हूँ, जो जदीद दौर के शेरी तकाजे हैं, जमा को, ज़ात को, ज़िंदगी को कैसे शेरों में बरता जाता है। तो आइए सुनते हैं राकेश दिलबरपुरी से। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया इरफान आरिफ भाई, तीसरी मर्तबा जो है मेरी हाजिरी अमरोहा फाउंडेशन के मुशायरे में हो रही है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फरमान हैदर भाई का कि आप तमाम शुराए कराम से मुखातिब होने का मौका फराहम किया। जनाबे सदर की इजाजत से मैं अपने शेरी सफर का आगाज एक मतले से कर रहा हूँ। अर्ज करता हूं कि मुकद्दस बन के कल पैदा हुई है। आवाज आ रही मेरी भाई इरफान भाई? जी जी जी, आ रही आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुमताज साहिबा अस्सलाम वालेकुम, इस्तकबाल है। वालेकुम जी, शुक्रिया शुक्रिया जी। राकेश भाई, मतलब देखें कि मुकद्दस बन के कल पैदा हुई है, तहज्जुद में गजल पैदा हुई है। मुकद्दस बन के कल पैदा हुई है, तहज्जुद में गजल पैदा हुई है। मोहब्बत की बताऊं उम्र तुमको, ये शय रोजे अजल पैदा हुई है। बहुत अच्छा थे, वाह 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 वाह। रोजे अजल का कोई जवाब नहीं है। मोबाइल रोटेट कर ले, ठीक है ठीक है ठीक जी। अब ठीक है, अब ठीक हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुक्रिया जी। माजिर कर रहा हूँ कि मुकद्दस बन के कल पैदा हुई है, तहज्जुद में गजल पैदा हुई है। मोहब्बत की बताऊं उम्र तुमको, ये शय रोजे अजल पैदा हुई है। एक मतला और कुछ शेर और हाजिर करता हूँ कि चलो गजल में कुछ ऐसा भी आजमाया जाए, चलो गजल में कुछ ऐसा भी आजमाया जाए, रदीफ खुद को उसे काफिया बनाया जाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है दिलबर नवाजिश। चलो गजल में कुछ ऐसा भी आजमाया जाए, रदीफ खुद को उसे काफिया बनाया जाए। वो कह रही थी हवा बन के शब में आऊंगी, वो कह रही थी हवा बन के शब में आऊंगी, तो अब चराग की सूरत बदन जलाया जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत नवाजिश। वो कह रही थी हवा बन के शब में आऊंगी, सो अब चराग की सूरत बदन जलाया जाए। वो खुश्क होठों पर मेरे सवाल करती है, वो खुश्क होठों पर मेरे सवाल करती, तो क्या लबों का तकाजा उसे बताया जाए।
वाह। और शेर है कि जुनूने ईजा पसंदी तो है तबीयत में, जुनूने ईजा पसंदी तो है तबीयत में, हमारे जख्म पे फिर से नमक लगाया जाए। एक मतलब यूं कहा है कि इश्क में एक नई ईजाद कहेगी दुनिया। फरमान हैदर भाई मतलब मुलाहिजा करें कि इश्क में एक नई ईजाद कहेगी दुनिया, इश्क में एक नई ईजाद कहेगी दुनिया, तुमको मिट्टी तो मुझे खाद कहेगी दुनिया। क्या कहने, क्या कहने, क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने का। बहुत शुक्रिया। इश्क में एक नई ईजाद कहेगी दुनिया, तुमको मिट्टी तो मुझे खाद कहेगी दुनिया, उसको ये बात समझ में नहीं आती क्यों कर, किस तरह भीख को इमदाद कहेगी दुनिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और मुझको डर है वो न बन जाए गुलाम इब्ने गुलाम, मुझको डर है वो न बन जाए गुलाम इब्ने गुलाम, की हसरत है कब आजाद कहेगी दुनिया। और शेर मेरे जो किए नाम से अपने मंसूब, शेर मेरे जो किए नाम से अपने मंसूब, गैर औलाद को औलाद कहेगी दुनिया। है है, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह भाई, है जिद्दत है आपके। बहुत नवाजिश। और गजल का आखिरी शेर हाजिर करता हूँ कि तुम खुदाए सुखन आराइशे अफकार हो मीर, तुम खुदाए सुखन अफकार हो मीर, मेरी गजलों को खुदादाद कहेगी दुनिया। जबरदस्त ताली से काम लिया है आपने। बहुत नवाजिश, खुदादाद कहे, बड़े मुनफरद कवाफी आपने इस्तेमाल किए हैं और बहुत ही नए नए ख्यालात। और मतलब देखें दूसरी गजल का कि बिछड़ के उनसे मिले तो कई सवाल हुए, उनसे मिले तो कई सवाल, बिछड़ के उनसे मिले तो कई सवाल हुए, बहुत दिनों से मुअत्तल थे कब बहाल हुए। वाह, वो एक चेहरा जो कल से नजर नहीं आया, हमें लगा के उसे देखे कितने साल हुए। क्या कहने, वाह। और शजर लगाए थे जिन रास्तों पे हमने कभी, मुसाफिरत में वही रास्ते मुहाल हुए। वाह, बदन को दश्त बनाया है इसलिए हमने, जो दिल में आए थे माशूक सब गजाल हुए। आखिरी शेर हाजिर करता हूँ और फरमान हैदर साहब की चाय प्लीज, अभी भेजता हूँ आपको, अभी भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ। बदन को दश्त बनाया है इसलिए हमने, जो दिल में आए थे माशूक सब गजाल हुए। और फरमान हैदर साहब आपकी नजर करता हूँ शेर के, हमेशा हमेशा लोगों को दावत पे तुम बुलाते हो, हमेशा लोगों को दावत पे तुम बुलाते हो, बताओ उनमें से कितने नमक हलाल हुए। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा भाई, बताओ उनमें से कितने नमक हलाल, बहुत अच्छा। और पढ़ना हो अगर इजाजत हो आपकी, नहीं तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़िए, पढ़िए बिस्मिल्लाह। मतलब है कि बड़े अदब बड़ी हिकमत के साथ हो रहा है, बड़े अदब बड़ी हिकमत के साथ हो रहा है, यहाँ गुनाह भी इज्जत के साथ हो रहा है। वाह, यहाँ गुनाह भी इज्जत के साथ हो रहा है, माशाल्लाह। यकीन कीजिए नफरत ही होगा रद्द अमल, सलूक अब जो मोहब्बत के साथ हो रहा है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत नवाजिश। यकीन कीजिए नफरत ही होगा रद्द अमल, सुलूक अब जो मोहब्बत के साथ हो रहा है, मैं उनके हुस्न तसव्वुर का लुत्फ ले रहा हूँ, गजल का शेर इबादत के साथ हो रहा है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है साहब, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनके हुस्ने तसव्वुर का लुत्फ ले रहा हूँ, गजल का शेर इबादत के साथ हो रहा है, और बहुत दिनों से इन अच्छे दिनों की हसरत में, बहुत दिनों से इन अच्छे दिनों की हसरत में गुजारा सब्र व कनात के साथ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, वाह वाह। मैं कह रहा था कि ये जदीद लबो लहजे के शायर हैं हमारे राकेश दिलभरपुरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आबिद रशीद साहब भी हमसे जुड़ गए, जी जी जी, नजर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे मेहमान खास हैं आज के इस प्रोग्राम के आबिद रशीद साहब भी, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से। डॉक्टर ममताज मुनव्वर पीर भोई साहब भी हमारे बीच में तशरीफ ला चुकी हैं, और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं, तो अगर हमारी आवाज इन तक पहुंच रही हो तो ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करें, क्योंकि हमारी अगली आवाज जो सुननी है वो इन्हीं की है। और मैं देख रहा था कि नासिर मारूफ भाई अभी हमारे दरमियान नहीं हैं, राकेश भाई ने अपना खूबसूरत कलाम पढ़ा है, तो मुमताज़ साहिबा कहीं स्क्रीन से ऊपर नीचे हो गई हैं, तो अगर जुड़ी भी तो है मगर उन्होंने आईडी और वीडियो दोनों बंद कर रखी, बंद बंद कर रखे हैं। तो बहरहाल इस बीच में हमारे दरमियान यकीनन एक खूबसूरत से शायर तशरीफ लाए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ गौहर नकवी साहब की, तो गौहर नकवी साहब के हवाले से हम क्या कहें क्या ना कहें, बस हाउ टू इम्प्रूव द इंडियन इकोनॉमी, जो बहुत ज्यादा इस वक्त गिर चुकी है उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए, इनकी किताब है। बिजनेस से इनका ताल्लुक है, ओमान से हमारे साथ जुड़े हैं बुनियादी तौर पे, ये मैं कहूँगा कि एक खूबसूरत शायर तो है ही हैं, आलमी मुशायरों में भी ये शरीक रहे हैं, चाहे इंडियन सोसाइटी क्लब उर्दू विंग जैसी एक बड़ी तंजीम इन्होंने कायम कर रखी है जिसके ये कन्वीनर भी हैं, लेकिन बहैसियत शायर आज हम इन्हें सुनने की ये सआदत हासिल करेंगे कि किस तरह से गाज़ियाबाद से होते हुए ओमान में इस वक्त ये हिंदुस्तान की आवाज हम तक कैसे पहुंच रही है। जी गौहर भाई आना, पहले तो मैं फरमान साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे फिर चांस दिया, और ये अमरोहा फाउंडेशन का कि इस इल्मी सिटी का, इस इल्मी भाई आप थोड़े से पीछे हो गए हो जाएं तो आपका चेहरा पूरा आ जाएगा, आपका चेहरा नहीं आ रहा स्क्रीन पे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं सदर साहब से इजाजत चाहूंगा कि बिस्मिल्लाह गौहर अता हो, तरन्नुम में हो, पहले कुछ शेर वैसे ही फिर बाद में तरन्नुम, तीन चार शेर के मतलब अर्ज है कि निजाम साकी जरा भी अगर सुधर जाता, निजाम साकी जरा भी अगर सुधर जाता तो जिसका खाली है उसका भी जाम भर जाता, सितम के आगे खड़ा है जो सर झुकाए हुए, सदर साहब समाज फरमाए कि सितम के आगे खड़ा है जो सर झुकाए हुए, वो काश लड़ता और इज्जत की मौत मर जाता, मर जाता, बहुत जाता। फरमान साहब समाज फरमाए कि तमाम उम्र गुजारी है छांव में उसने, तमाम उम्र गुजारी है छांव में उसने, सफर जो धूप में करता तो कुछ निखर जाता, सफर जो धूप में करता। और राकेश साहब समाप्त फरमाए कि मुझे तो आंख से गिरना था गिर गया आखिर, मुझे तो आंख से गिरना था गिर गया आखिर, मैं अश्क हूँ तो भला कैसे मैं ठहर जाता, ये बात सच है कि दिल टूट तो गया था मगर, ये बात सच है
कि दिल टूट तो गया था मगर दुआएं गर न बचाती तो मैं बिखर जाता, दुआएं गर न बचाती। और एक मतलब और दो तीन शेर। शुक्रिया, बहुत अच्छे शेर पढ़े आपने, दिल खुश हुआ भाई। दिल की हर बात जमाने से छुपाया ना करो, सुने साहब सदर साहब के, दिल की हर बात जमाने से छुपाया ना करो, नाम लिखकर मेरा कागज पे मिटाया ना करो। हाँ फरमाए कि और कुछ देर कड़ी धूप में जलने दो मुझे, और कुछ देर कड़ी धूप में जलने दो मुझे, ऐ दरख्तो मेरे सर पे अभी साया ना करो। दरख्तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, शुक्रिया शुक्रिया। इतना ही नाज है गर तर के ताल्लुक पे तुम्हें, इतना ही नाज है गर तर के ताल्लुक पे तुम्हें, मेरे ख्वाबों में भी सज बन के तुम आया ना करो, मेरे ख्वाबों में भी। आराम से और आज के हाल आपको जल्दी में पढ़ना है, आराम से पढ़िए। अच्छा जी, वक्त थोड़ा सा कम है इसलिए कि और मख्ता खासकर जो आजकल के हालात पे है कि आज जीना है तो ये याद रहे है गौहर, आज जीना है तो ये आज जीना है तो ये याद रहे है गौहर, फासला रख के चलो हाथ मिलाया ना करो, फासला रख के चलो हाथ मिलाया ना करो। हस्बे हाल, बेशक बेशक। और वो तीन शेर और उसके बाद तरन्नुम से जो गजल है इंशाल्लाह। हम खूब जानते हैं सहारा नहीं कोई, हम खूब जानते हैं सहारा नहीं कोई, हम सबके हैं जहां में हमारा नहीं कोई। हम खूब जानते हैं सहारा नहीं कोई, हम सबके हैं जहां में हमारा नहीं कोई। और समाज फरमाए कि तरके ताल्लुक आपकी मर्जी सही मगर, तरके ताल्लुक आपकी मर्जी सही मगर, हमको तो ऐसा काम गवारा नहीं कोई। और खासकर ये शेर समाज फरमाए, इफ़त साहिबा समाज फरमाए ये शेर। जी जी, गहराई इरशाद अली में मैं मौजूद हूँ। गहराई तेरी आंखों की कहती है बार बार, गहराई तेरी आंखों की कहती है बार बार, मैं हूँ वो झील जिसका किनारा नहीं कोई। गहराई तेरी बहुत सारे किनारे आपके लिए, आपके लिए बहुत सारे किनारे। मैं हूँ वो झील जिसका किनारा नहीं कोई, और जिसकी वजह से ये गजल लिखी समाज फरमाए कि माँ जब भी तेरी शीर की आती है हमको याद, माँ जब भी तेरे शीर की आती है हमको याद, लगता है तेरा कर्ज उतारा नहीं कोई। बहुत अच्छा है, बेशक। माँ जब भी तेरे शीर की आती है हमको याद, लगता है तेरा कर्ज उतारा नहीं कोई। और खालिक बता दे जाएं तो हम किसके दर पे जाएं, खालिक बता दे जाएं तो हम किसके दर पे जाएं, तेरे सिवा हमारा सहारा नहीं कोई, तेरे सिवा हमारा सहारा नहीं। बहुत खूब। और ये चार पांच शेर गजल के तरन्नुम में। तलवार से दुश्मन का गरवार नहीं होता, मतलब समाप्त फरमाए सदर साहब। तलवार से दुश्मन का गरवार नहीं होता, तलवार से दुश्मन का
गरवार नहीं होता तो हाथ में मेरे भी प्यार नहीं होता, प्यार नहीं होता। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे भी प्यार नहीं होता। और समाज फरमाए शेर साहब, फिर सर को झुकाए ये दरबारी कहाँ जाते, फिर सर को झुकाए ये दरबारी कहाँ जाते। सोचो अगर हाकिम का दरबार नहीं होता, दरबार नहीं होता। और इफ्फत साहिबा समाज फरमाए खासकर ये शेर, जी जी इरशाद, क्या जाने ज़मीर उसका किस नींद में सोया है, क्या जाने ज़मीर उसका किस नींद में सोया है, करवट तो बदलता है बेदार नहीं होता। बहुत खूबसूरत शेर, बहुत खूबसूरत, शुक्रिया शुक्रिया। बेदार नहीं होता का बहुत जवाब नहीं, करवट तो बदलता है बेदार नहीं होता। वाह वाह वाह, करवट तो बदलता है बेदार नहीं होता। राकेश साहब, ये आपके मतलब का शेर है, समाप्त फरमाए। वो भूखा ही उठता है, वो भूखा ही सोता है, वो भूखा ही उठता है, वो भूखा ही सोता है, वो जिससे उसूलों का व्यापार नहीं होता। क्या बात कह रही है आपने, क्या बात कह रही है मुनीर साहब, समाज फरमाए ये शेर। को तो कहते हैं हम दोस्त तुझे, लेकिन को तो कहते हैं हम दोस्त तुझे, लेकिन जो छोड़ दे मुश्किल में वो यार नहीं होता। वाह वाह वाह, अच्छा है, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन शेर, बहुत अच्छा है साहब। और समाप्त फरमाए फरमान साहब, समाप्त फरमाए कि वो दिल में ही रहते हैं, आंखों में ही बसते हैं, वो दिल में ही रहते हैं, वो दिल में ही रहते हैं, आंखों में ही बसते हैं, वैसे तो कभी उनका दीदार नहीं होता, दीदार नहीं होता, दीदार नहीं। क्या कह रहे हैं, क्या अंदाज है, क्या शेरियत है, वाह 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 वाह, वैसे तो कभी उनका दीदार नहीं होता। मैं जिंदाबाद कहो, जिंदाबाद, शुक्रिया शुक्रिया साहब। जो दिल में है क्यों उसका इजहार नहीं होता, जो दिल में है क्यों उसका इजहार नहीं होता, और क्यों तुमसे मोहब्बत का इकरार नहीं होता। मख्ता समाज फरमाए कि खामोशी से वो गोहर
क्यों सब के सितम सहता, खामोशी से वो गोहर क्यों सब के सितम सहता, लाचार अगर इतना लाचार नहीं, अच्छा तरन्नुम, शुक्रिया, जिंदाबाद गौहर, जिंदाबाद। इरफान भाई जी, मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही मयारी कलाम से नवाजा और उतना ही बेहतर सुर ताल भी था। बहरहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए अमरोहा फाउंडेशन जानिब की उस शख्सियत की तरफ आता हूँ जिसे इफ़त ज़र्री कहते हैं। डॉक्टर इफ़त ज़र्री साहिबा के हवाले मैं क्या क्या कहूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर माता सुंदरी कॉलेज जो है वहाँ से इनका ताल्लुक है, एमफिल पीएचडी किया हुआ, और इनकी किताबों की अगर हम बात करें तो बेसाहिल दरिया, जर्री नामा, पत्थर हमारे दौर के, उर्दू गज़ल फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से और लखनऊ दबस्तान के हवाले से मुख्तलिफ किताबें इनकी मंजर आम पर आ चुकी हैं। सबसे बड़ी बात ये कि चाहे उर्दू अकेडमी हो या साहित्य उर्दू अकेडमी, इनकी जानिब से इन्हें एजाजात हासिल हुए हैं। तो मैं बगैर किसी ताखीर के बसद एहतराम आपके हुजूर ये इस्तदा करता हूँ कि आप अपने कलाम से हमें नवाजें। जी मोहतरमा डॉक्टर इफ़त ज़र्री साहिबा जी, हालांकि ये आपका मकाम नहीं है, मगर आपने मुझसे कहा था कि मुझे जल्दी छुट्टी दे देना, मुझे सुबह भी संभालना है स्कूल, इसलिए आपको कॉलेज जाना है जी, इसलिए 9 बजे मुझे कॉलेज ज्वाइन करना है, मतलब इसलिए आपने बहुत मेहरबानी की मुझ पे, बहुत शुक्रिया। 2-4 शेर समाप्त फरमाएं तरन्नुम में भी जी जी। जिंदगी तेरा एतबार करूं, जिंदगी तेरा एतबार करूं, तुझको सोचूं या तुझसे प्यार करूं, तुझको सोचूं या तुझसे प्यार करूं, वो तो पत्थर है मुझको क्या देगा, किस लिए मिन्नते हजार करूं, वो तो पत्थर है मुझको क्या देगा, किस लिए मिन्नते हजार करूं, और छुपके क्यों वार करता रहता है, छुपके क्यों वार करता रहता है, सामने हो तो सामने गर हो, छुपके क्यों वार करता रहता है, ये शेर में भूल रही हूँ, चलिए दूसरा शेर समाज फरमाए, छुपके क्यों वार करता रहता है, सामने हो तो आर पार करूं, छुपके क्यों वार करता रहता है, सामने हो तो आर पार करूं, और जिंदगी घाव है सलीब नहीं, जिंदगी घाव है सलीब नहीं, शुक्र है तू मेरे करीब नहीं, शुक्र है तू मेरे करीब नहीं, ये जो आंचल में रेत बांधी है, ये जो आंचल में रेत बांधी है, मेरा विरसा है ये नसीब नहीं, एक गजल समाज फरमा लीजिए, एक नज्म समाज फरमा लीजिए, नज्म का उन्वान है भरम, अरम, ये कौन मुझ में मोहब्बत के बीज बोता है, ये कौन मुझ में मोहब्बत के बीज बोता है, ये किसका दर्द जो पहरों मुझी में सोता है, ये किसका दर्द जो पहरों मुझी में सोता है, ये कौन मुझको मेरी राह से हटाता है, ये कौन मुझको मेरी राह से हटाता है, पकड़ के हाथ अकेला कहीं ले जाता है, पकड़ के हाथ अकेला कहीं ले जाता है, मेरे कदम है कि खुद उठते हैं किसकी राहों पर, मेरे कदम है कि उठते हैं किसकी राहों पर, मैं किसके कांधे पे सर रख के सोने लगती हूँ, मैं किसके कांधे पे सर रख के सोने लगती हूँ, मेरे वजूद में बिखराव ये हुआ कैसे,
मेरे वजूद में बिखराव हो ये हुआ कैसे, मगर न जाने क्यों अक्सर यही तो होता है, मगर न जाने क्यों अक्सर यही तो होता है, पिघलते उलते मौसम मुझे जगाते हैं, पिघलते उलते मौसम मुझे जगाते हैं, मेरी कहानी हमेशा मुझे सुनाते हैं, मेरी कहानी हमेशा मुझे सुनाते हैं, मैं ऐसा मोती हूँ जो सीप में नहीं रहता, मैं ऐसा मोती हूँ जो सीप में नहीं रहता, बिछड़ गया है समंदर से और पानी से, बिछड़ गया है समंदर से और पानी से, किताबें जीत में सजने लगे हैं फिर मोती, किताबें जीत में सजने लगे हैं फिर मोती, मैं फिर से मांग में मोती ही भरने लगती हूँ, मेरी ही मांग धनक सी चमकने लगती है, मेरी ही मांग धनक सी चमकने लगती है, मैं फिर से ख्वाब की बस्ती में लौट आई हूँ, मैं फिर से ख्वाब की बस्ती में लौट आई हूँ, अंधेरे छोड़ उजालों में लौट आई हूँ, अंधेरे छोड़ उजालों में लौट आई हूँ, मगर ये किसके लिए बुन रही हूँ मैं चादर, मगर ये किसके लिए बुन रही हूँ मैं चादर, ये किसकी राह गुजर में बिछाए फूल सदा, ये किसकी राह गुजर में सजाए फूल सजा, हमेशा पलकों पे मोती सजाए रहती हूँ, हमेशा पलकों पे मोती सजाए रहती हूँ, मैं अपने आप को दुल्हन बनाए रहती हूँ, मैं अपने आप को दुल्हन बनाए रहती हूँ, खुदा गवाह है अंधेरों ने हर भरम रखा, खुदा गवाह है अंधेरों ने हर भरम रखा। देखिए गजल समाज फरमा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी नज़्म, शुक्रिया, माशाल्लाह। जिस्म जान की बस्ती में सिलसिले नहीं मिलते, जिस्म जा की बस्ती में सिलसिले नहीं मिलते, अब किसी भी मरकज से दायरे नहीं मिलते, बहुत अच्छा है, नहीं जिस्म जान की बस्ती में सिलसिले नहीं। अच्छा है, समझ फरमा ली, दो कदम भाई आपका स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा जी, स्क्रीन पे पूरी नहीं आ रही, आपका चेहरा आधा ऊपर आधा नीचे, आप सही है, दो कदम बिछड़ने से फूले नहीं मिलते, कदम बिछड़ने से फूले नहीं मिलते, मंजिले तो मिलती है, वाह वाह वाह, क्या कहे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद भाई, अच्छा, क्या बात, वाह 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 वाह, तो मिलती है रास्ते नहीं मिलते, और शेर समाज फरमाएं, खास तौर से देखें, बारहा तराश
शान है हमने आपका चेहरा तराशा हमने आपका चेहरा तराशा है हमने आपका चेहरा आपको न जाने क्यों आईने जाने क्यों क्यों आईने नहीं मिलते आईने नहीं मिलते नहीं। और ये शेर खास तौर से समाज फरमाए जिंदगी दुश्मन है जिंदगी का हर लम्हा आरजू का आरजू का दुश्मन है हादसों की ख्वाहिश बातें का पसीना होने से नहीं ख्वाहिश है खुद से नहीं और ये शेर खास तौर से समाप्त करना वक्त की कमी कह कर जहल को छुपाते वक्त की कमी कह कर जहल को छुपाते आजकल किताबों में हाशिए क्या बात वाह 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 बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है किताबों में हाशिए नहीं और ये शेर समाज फरमाए आज भी में आदमी फरिश्ते वाह वाह आज भी जमाने में आदमी फरिश्ते शोभ दे तो मिलते हैं मौजज़े तो मिलते हैं
मुझे मिलते। और मख्तस अहमद फरमाए आज कत्ल करना भी आज कत्ल करना भी बन गया है फन जरी आज कत्ल करना भी बन गया है फन जरी कत्ल करने वालों के कुछ पते नहीं मिलते कत्ल करने वालों के कुछ पते नहीं मिलते जिस्म जान की बस्ती में सिलसिले मिलते अब किसी भी मरकज से दायरे नहीं मिलते अब किसी भी मरकज से दायरे नहीं मिलते बहुत शुक्रिया मुझे इजाजत दीजिए इंशाल्लाह मुशायरे में मुलाकात जरूर होगी फरमान का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो याद करते रहते हैं बहुत नहीं आपका शुक्रिया कि आप लोग आ जाते हैं शुक्रिया तो आपका है हमारा कि हम तो आपको जहमत देते रहते हैं और आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहते हैं इसीलिए अच्छी अच्छी महफिलें होती रहती हैं आप लोगों का जुड़ना हमारे लिए बहुत फख्र की बात आप जैसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ती है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छा कलाम और इस कलाम से ना सिर्फ हम बल्कि हमारे जितने भी नाज़रीन और सामईन हैं जहाँ जहाँ भी ये कलाम सुना गया सारे महसूस हुए होंगे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में डॉक्टर मुमताज मनोवर साहिबा भी तशरीफ ला चुकी हैं ये हिंदुस्तान के चलते फिरते रोशनियों के शहर से हैं महाराष्ट्र मुंबई से तो इनकी शायरी के अंदर भी बिल्कुल यही रोशनियाँ यही सारी शायरी के जो तमाम तर देखने वाले नए जो रंग हैं वो मिलते हैं तो मैं बगैर किसी ताखीर के मुल्तमिस हूँ डॉक्टर मुमताज मुनव्वर साहिबा से कि आप आए और अपना कलाम जो है पेश करें जी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई और फरमान साहब का भी कि वो याद उन्होंने मुझे याद किया एक छोटी सी नज्म और उसके बाद गजल के कुछ अशार सुनाती हूँ एक छोटी सी नज्म है जिसका उनवान है दुआ मैंने खुदा से मांग हेलो जी 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 जरूरत भी है दुआ की मुझे आवाज नहीं आई आपकी हेलो मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त दुआ की जरूरत भी है जी जी बहुत अशद जरूरत है तो देखिए कि ये दुआ भी देखिए कि मैंने खुदा से मांगी ताकत उसने दी मुझे मुश्किलें मैंने खुदा से मांगी ताकत उसने दी मुझे मुश्किलें हिम्मत बढ़ाने के लिए मैंने खुदा से मांगी ताकत उसने दी मुझे मुश्किलें हिम्मत बढ़ाने के लिए मैंने खुदा से अक्ल मांगी उसने दी मुझे उलझने सुलझाने के लिए सुलझाने क्या कहने मैंने जी मैंने खुदा से अक्ल मांगी उसने दी मुझे उलझने सुलझाने के लिए
मैंने खुदा से मांगी तरक्की, उसने दिया मुझे इदराक काम करने के लिए। क्या कहते हैं, बहुत उम्दा। शुक्रिया शुक्रिया मुनीर साहब। मैंने खुदा से मांगी तरक्की, उसने दिया मुझे इदराक काम करने के लिए। मैंने खुदा से मांगा प्यार, मैंने खुदा से मांगा प्यार, प्यार। उसने सिखाए मुझे दुखी लोग मदद करने के लिए। बहुत शुक्रिया नवाजिश। मैंने खुदा से मांगा प्यार, उसने दिखाए मुझे दुखी लोग मदद करने के लिए। मैंने खुदा से मांगी हिम्मत, उसने दी परेशानियां उबूर हासिल करने के लिए। जी। मैंने खुदा से मांगी हिम्मत, उसने दी परेशानियां उबूर हासिल करने के लिए। मैंने खुदा से मांगी नियामतें, हर कोई हम नियामत ही चाहता है अल्लाह ताला की, है ना। देखिए, मैंने खुदा से मांगी ताकत, उसने दी मुझे मुश्किलें हिम्मत बढ़ाने के लिए। मैंने खुदा से अक्ल मांगी, उसने दी मुझे उलझने सुलझाने के लिए। मैंने खुदा से मांगी तरक्की, उसने दिया मुझे इदराक काम करने के लिए। मैंने खुदा से मांगा प्यार, उसने दिखाए मुझे दुखी लोग मदद करने के लिए। मैंने खुदा से मांगी हिम्मत, उसने दी परेशानियां उबूर हासिल करने के लिए। मैंने खुदा से मांगी नियामतें, उसने दिए मौके उन्हें पाने के लिए। मैंने खुदा से मांगी नियामतें, उसने दिए मौके उन्हें पाने के लिए। मुझे वो नहीं मिला जो मैंने मांगा, मुझे वो नहीं मिला जो मैंने मांगा, मुझे खुदा ने वो दिया जो मेरे हक में बेहतर था। बेहतर था, क्या कहें। मुझे वो नहीं मिला जो मैंने मांगा, मुझे खुदा ने वो दिया जो मेरे हक में बेहतर था, जो मेरे हक में बेहतर था, जो मेरे हक में बेहतर था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत अच्छा, बेशक, बहुत बहुत नवाजिश, मोहब्बतें। और एक गजल के कुछ अशआर पेश करती हूँ। उससे पहले कतम मुलाहिजा करें कि मोहल्ले की मस्जिद जो जाते नहीं है, तवज्जो चाहूंगी कि मोहल्ले की मस्जिद जो जाते नहीं है, यही रात दिन वो दुआ मांगते हैं। मोहल्ले की मस्जिद जो जाते नहीं है, यही रात दिन वो दुआ मांगते हैं। पढ़े हम नमाजें नबी के ही दर पर, पढ़े हम नमाजें नबी के ही दर पर, मदीने में मौत आए ये चाहते हैं, मदीने में मौत आए ये चाहते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तनकीद की है आपने लोगों पे, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। और गजल के चंद अशआर देखिए, सर महफिल की इजाजत से मतलब पेश करती हूँ। आता हूँ जी, बहुत शुक्रिया। सिद्क दिल से न अदा हो तो इबादत कैसी, सिद्क दिल से न अदा हो तो इबादत कैसी, ये नमाजें ये वजीफे ये तिलावत कैसी। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। ये नमाजें ये वजीफे ये तिलावत कैसी। और शे देखिए कि दिल लगाने की सजा तुम को मिली है हमदम, दिल लगाने से तुमको मिली है, दिल लगाने की सजा तुम को मिली है हमदम। दिल अगर तू बहुत नवाजिश, दिल लगाने की सजा तुमको मिली है हमदम, दिल अगर टूट गया है तो
शिकायत तैसी अगर टूट गया है तो शिकायत कैसी और चंद लम्हों की मुलाकात में कैसा रिश्ता चंद लम्हों की मुलाकात में कैसा रिश्ता चंद लम्हों की मुलाकात में कैसा रिश्ता जी जब मुहब्बत ही नहीं थी तो अदावत कैसी शुक्रिया चंद लम्हों की मुलाकात में कैसा रिश्ता जब मुहब्बत ही नहीं थी तो अदावत कैसी जब मुहब्बत ही नहीं थी तो अदावत कैसी और इस शेर पे खुसूसी तवज्जो चाहूंगी मुलाहिज़ा करें गुल हवस लो कहे सिदार के वो क्या जाने गुल हवस लो कहे सिदार के वो क्या जाने शुक्र क्या चीज है होती है इनात हवस लोग है इस दार के वो क्या जाने शुक्र क्या चीज है होती है इनात कैसी शुक्र क्या चीज है होती है इनात कैसी और एक आपकी शेर भी मुलाहिज़ा कर ले खूनी हाथों का बहा कर है बड़ा इतराता खूनी हाथों का बहा कर है बड़ा इतराता बुजदिली है ये सरासर ये शुजात कैसी बहुत शुक्रिया खूनी हाथों का बहा कर है बड़ा इतराता बुजदिली है ये सरासर ये शुजात कैसी बुजदिली है ये सरासर ये शुजात कैसी सिद्क दिल से नात अदा हो तो इबादत ये वजीफे ये तिलावत कैसी बहुत शुक्रिया बहुत नवाजिश बहुत अच्छा पढ़ा बहुत शुक्रिया बहुत नवाजिश फरमान मेरी आवाज आ रही है जी हाँ जी हाँ आ रही है आपकी आवाज आ रही है हमको तो आ रही है अच्छा नहीं आ रही है फरमान बेटा मैंने बताया था कि घर में कोई तकलीफ है तो अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अगर इजाजत हो तो कुछ अशार पेश करूं एक गजल के इरफान भाई दो तीन अशार मुलाहिजा कर लें जी इरशाद इरशाद जी जरूर इरशाद देखिए मतलब कहा है कि वो जमाने मौत से कुछ कम न थे वो जमाने मौत से
कुछ कम न थे जिंदगी में जब तुम्हारे गम न थे, जिंदगी में जब तुम्हारे गम न थे, वो जमाने मौत से कुछ कम न थे। है लबे दरिया मगर है कृष्ण ला, है मग है लबे दरिया मगर है कृष्ण ला, बेबसी के यूं कभी आलम न थे, बेबसी के यूं कभी आलम न थे, वो जमाने मौत से कुछ कम न थे। और ये शेर देखिए, जिंदगी में लोग तो मिलते रहे, जिंदगी में लोग तो मिलते रहे, जिंदगी में लोग तो मिलते रहे, साथ जो सब थे चले हम दम न थे, साथ जो सब थे चले हम दम न थे। और आखिरी शेर, जल रहे हैं रोशनी से प्यार की, जल रहे हैं रोशनी से प्यार की, ये चराग़े दिल कभी मध्यम न थे, ये चराग़े दिल न थे। शुक्रिया। वो जमाने मौत से कुछ कम न थे, जिंदगी में जब तुम्हारे गम न थे, वो जमाने मौत से कुछ कम न थे। बहुत शुक्रिया नवाजिश, आप बताएं। बहुत अच्छा, बहुत खूब। इरफान भाई हमारी आवाज सुन रहे हैं? कहाँ गए नाजिम? आ रही आपकी आवाज, बिल्कुल आ रही। नहीं इरफान भाई, नाजिम साहब हमारे, मेरे ख्याल में वो शायद खाना खाने लगे हैं कहीं और। उनका माइक भी आप वक्ती तौर पे निजाम संभाल जी। जी मैं अब जो है मैं आबिद रशीद साहब भी जुड़े हुए हैं। मोहतरमा आपका अभी जो है वो टाइम नहीं आया है, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ लगती, तो आपको आराम से सुनेंगे। तक रुक जाइए, अभी हमारे साथ आबिद रशीद साहब जुड़े हुए हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा आबिद भाई से कि आए, और आबिद भाई के बारे में बताना तो मैं आबिद भाई के बाद इंशाल्लाह। आबिद भाई खुद एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत अच्छी महफिलें कराते हैं, और हम तो हिंदुस्तान में कराते हैं, ये शिकागो में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और आज ये हमारी खुश नसीबी है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे आज महफिल के मेहमान ज़ीबाकार भी हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ आबिद रशीद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। आबिद भाई बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने इस खूबसूरत महफिल में मुझे दावत दी, और सदर ज़ीबाकार जनाब जावेद साहब से इजाजत, और हमारी अंजुम बहन बैठी हैं उनसे इजाजत के कलाम सुनाओ। अता हूँ साहब, इरशाद आली, इरशाद आली जी। ये एक जरा सी मुख्तलिफ सी गजल है, तो पेश है। एक दुआ अर्श से लिपट चुकी थी, एक दुआ अर्श से लिपट, एक दुआ अर्श से लिपट चुकी थी, एक जमीन खौफ से सिमट चुकी थी। एक दुआ अर्श से लिपट चुकी थी, एक जमीन खौफ से सिमट चुकी थी,
लोग सब कुछ जमीन से मांगते थे, लोग सब कुछ जमीन से मांगते थे, वो जमीन आसमां से कट चुकी थी। बहुत अच्छा है। लोग सब कुछ जमीन से मांगते थे, वो जमीन आसमां से कट चुकी थी, उससे आगे का था सफर तन्हा। उससे आगे का था सफर तन्हा, वो तो बच्चों में अपने बढ़ चुकी थी। उससे आगे का था सफर तन्हा, वो तो बच्चों में अपने बढ़ चुकी थी। ढूंढते फिर रहे थे तावीलें, ढूंढते फिर रहे थे तावीलें, एक बाजी कहीं पलट चुकी थी, पलट चुकी थी। ढूंढते फिर रहे थे तावीलें, एक बाजी कहीं पलट चुकी थी। अब्र लेकर जब आसमां पहुंचा, अब्र लेकर जब आसमां पहुंचा, बेल पेड़ से लिपट चुकी थी। अब्र लेकर जब आसमां पहुंचा, बेल एक पेड़ से लिपट चुकी थी। बड़े मुनफरद खवाफी, बेहद मुनफरद खवाफी। मैं कभी था न जिसके रस्ते में, वाह वाह वाह। मैं कभी था ना जिसके रास्ते में, वो मेरे रास्ते से हट चुकी थी। मैं कभी था ना जिसके रास्ते में, वो मेरे रास्ते से हट चुकी थी। वाह बहुत। उसने आने में देर की जितनी उसने आने में देर की जितनी, उस कदर जिंदगी भी घट चुकी थी। उसने आने में देर की जितनी उस कदर जिंदगी भी घट चुकी थी। चांद जिस रात बाम पर उतरा, एक हसरत कहीं सिमट चुकी थी। चांद जिस रात बाम पर उतरा, एक हसरत कहीं सिमट चुकी थी। धुंध जब जहन से छटी आबिद, मेरी बीनाई भी पलट चुकी थी। धुंध जब जहन से छटी आबिद, मेरी बीनाई भी पलट चुकी थी। क्या कहने, एक दुआ अर्श से लिपट चुकी थी, एक जमीन खौफ से सिमट चुकी थी। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत सुंदर। कुछ और भी सुनाना है कि बस? जी एक गजल और सुना दें। सुनाइए सुनाइए। नज्म सुना दूं? जी नज्म सुना देता हूं आपको। एक इरशाद इरशाद। ख्वाब देखना सीखो, नज्म का नवान है। ख्वाब देखना सीखो, ख्वाब एक हकीकत है और सब फसाना है। ख्वाब एक हकीकत है और सब फसाना है। सुबह के उजाले से रात के अंधेरे तक, जो दिखाई देता है जो सुनाई देता है, एक खेल है जिसमें लोग आते जाते हैं, जो किसी ने लिख रखा वो उसे निभाते हैं। जो लिखा नहीं पढ़ते, जो कहा नहीं सुनते, आग के अलाव में रोज डाले जाते हैं। जब सजा मुकम्मल हो तब निकाले जाते हैं। ख्वाब देखना सीखो, दिन में ख्वाब मत देखो, दिन के ख्वाब झूठे हैं। दिन में कुछ नहीं मिलता बिन तुम्हारी काविश के, बिन तुम्हारी मेहनत के, बिन खुदा की रहमत के।
वो बड़ा ही मुनसिफ है, वो जो सबका दाता है, दिन में जो नहीं मिलता ख्वाब में दिलाता है। हमने जो सोचा वो बड़ा ही मुनसिफ है, वो जो सबका दाता है, दिन में जो नहीं मिलता ख्वाब में दिलाता है। हमने जो ना सोचा हो, हमने जो ना देखा हो, वो हमें दिखाता है। एक नए जमाने में हमको लेके जाता है, हमको अपने बिछड़ों से ख्वाब में मिलाता है। क्या क्या बात, वाह वाह वाह। ख्वाब देखना सीखो, आज पूरा सच कहना, आज तोलना पूरा, आज की कमाई का हक जरा अदा करना, काम से वफा करना। ठोकरों से कुछ पत्थर, रास्ते से कुछ कांटे, हो सके तो चुन लेना, कोई खाली दामन भी हो सके तो भर देना। कुछ बचे खुचे लुक में डालकर परिंदों को, उनसे तुम दुआ लेना। फिर किसी बिछोने पर खैरियत से सोने पर शुक्र भी अदा करना, और अपने ख्वाबों के हक में भी दुआ करना। वाह, आज रात वो तुमको चैन से सुलाएगा, तुमने जो नहीं सोचा, तुमने जो नहीं मांगा ख्वाब में दिलाएगा। एक नए जमाने की सैर भी कराएगा, वो तुम्हारे बिछड़ों को जिनको चाहते हो तुम ख्वाब में मिलाएगा। ख्वाब एक ख्वाब देखना सीखो, ख्वाब एक दुनिया है, उसमें वो सभी कुछ है जिसकी हमको हाजत है। ख्वाब एक हकीकत है और सब फसाना है। ये आखिरी चंद लाइनें हैं, इनको मैं जरा तवज्जो आप सबकी चाहूंगा, बहुत संजीदा लाइनें हैं। बिस्मिल्लाह। ख्वाब देखना सीखो, ख्वाब एक दुनिया है, उसमें वो सभी कुछ है जिसकी हमको हाजत है। ख्वाब एक हकीकत है और सब फसाना है। ख्वाब ही के रस्ते से एक जहान से हमने दूसरे को जाना। आप ख्वाब ही के रस्ते से एक जहान से हमने दूसरे को जाना है। एक ख्वाब खो देना, दूसरे को पाना है। ख्वाब देखना सीखो। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद रशीद साहब। मैं माजरत भी चाहूंगा कि इत्तफाक से मैं आपको दावत सुखन उस अंदाज से ना दे सका जो आपका हक है। बहरहाल मैं अपने तमाम सामिन और नाजरीन को ये बताता चलूं कि आबिद रशीद साहब की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, फिर भी मैं ये बताता चलूं कि शिकागो की एक मुमताज शख्सियत, शायर, इंसान दोस्त शख्स हैं। और अगर हम बात करें इनके शेर की, इनके क्राफ्ट की, इनकी तख्लीकी जो दुनिया है उसकी, तो आपने समाज किया, ये आप अपनी एक मिसाल हैं। हमद हो या नात, उस हवाले से भी इनकी पहचान पूरी दुनिया में इस वक्त हो चुकी है। शेरी मजमूए जो हैं अब तक इनके मंजर आम पर आ चुके हैं, वो सुखनवर है और सुखनवर शिकागो के नाम से इनकी तंजीम भी है, और उसके बाद दूसरा मजमूआ जो है वो धनक के नाम से मंजर आम पर आया है। नात और मनकबत हो या नज़में हो, ये सारा जिसको लफ्ज़ों के ज़रिए ये कायनात तख्लीक करना अगर कोई जदीद दौर में सीखे तो आबिद रशीद साहब से। मैं सुखनवर शिकागो के इस एक लिटरेरी पर्सनैलिटी को अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से सलाम पेश करते हुए आता हूँ अब उस्मान साहिबा के हजूर, जो हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ी हैं। इनके हवाले से भी मैं यही कहूँगा कि जो इस वक्त शायरी की तर्ज है, और ख़ास करके हमारे ख़ास करके शायरात की दुनिया, शायरों का तो मामला कुछ अलग होता है, लेकिन जो शायरात हैं वो किस जज्बात को किस लबो लहजे से आवाम तक पहुंचाती हैं, आप देखिएगा जब आपके सामने पाकिस्तान से अंजुम उस्मान अपना कलाम लेके आएंगी। शेरी मजमूए अब तक जो इनके मंजर भाई आप भी तो अपने शेर सुना दीजिए। अलतश,
जरूर सुनाऊंगा लतश के नाम से, और दूसरा शेरी मजमुआ नाशनीदा। और इसके अलावा कमाल ये है कि इन्हें अलतश पर जो है एमफिल भी हुआ है, तो मैं बिना किसी ताखीर के अंजम उस्मान साहिबा आपसे मुल्तमिस हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप अपने कलाम को हमारे तमाम शुरकाए महफिल और तमाम हाजरीन और नाजरीन को सुनाएं। अंजम उस्मान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी और फरमान का भी। फरमान मेरे बच्चों की तरह हैं, बेटों की तरह हैं, हमेशा याद रखते हैं और बेइंतहा इत्राम देते हैं, और इनके प्रोग्राम्स हमेशा बड़े मियारी, बहुत आला पाए के होते हैं, और हमें हमेशा बहुत खूबसूरत कलाम सुनने को मिलता है, जैसा कि आज भी मिला। तो बगैर किसी ताखीर के, क्योंकि आज मैंने माजरत ही कर ली थी, कुछ थोड़ी सी थी मुझे कमिटमेंट्स थी, लेकिन बहरहाल मैं फरमान को इनकार नहीं कर सकी। तो आज मैं एक गजल, और वो भी अपने मैडम आपका आप हमारी सरपरस्ती करती हैं, और वाकई में हम आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपके घर में आज भांजी की शादी है और उसकी तकरीबात चल रही है, मगर उसमें बीच में से आपने टाइम निकाला, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार। जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, ये तुम्हारी मोहब्बत है। मैं साहिब सदर से इजाजत चाहूंगी और एक मुख्तसर गजल के बाद रुख्सत भी चाहूंगी। इरशाद मुहतरमा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। जिनको तौकीरे रहे रस्मो वफा याद नहीं, जिनको तौकीरे रहे रस्मो वफा याद नहीं, क्या गुस्ताखी करें जिनको खुदा याद नहीं। बहुत शुक्रिया, क्या गिला उनसे करें जिनको खुदा याद। जाने आए भी थे खुशबू के संदेशे मुझको, जाने आए भी थे खुशबू के संदेशे मुझको, जाने गुजरी थी दबे पांव सबा याद नहीं। जाने गुजरी थी दबे पांव, जाने आए भी थे खुशबू के संदेशे मुझको, जाने गुजरी थी दबे पांव सबा याद नहीं। याद नहीं। आपने साथ निभाने का किया था वादा, आपने साथ निभाने का किया था वादा, निभाने का किया था वादा, इस पे कहते हैं वो हमसे बखुदा याद नहीं। इसको कहते हैं वो हमसे बखुदा बखुदा, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। न रहा शम्मे फरोजा में वो, न रहा शम्मे फरोजा में भी वो शोले इश्क, न रहा शम्मे फरोजा में भी वो शोले इश्क, और परवानों को मरने की अदा याद नहीं। परवानों को मरने की अदा याद, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, बहुत बंदा, याद नहीं, बहुत शुक्रिया। एक उम्मीद मसीहाई भी आखिर कब तक, एक उम्मीद मसीहाई भी आखिर कब तक, फिर न कहना हमें आदाब वफा याद नहीं। बहुत शुक्रिया। एक उम्मीद मसीहाई भी आखिर कब तक, फिर न कहना हमें आदाब वफा याद नहीं। बहुत शुक्रिया। शोले गुल से फना हो गई शबनम अंजुम, शोले गुल से फना हो गई शबनम अंजुम, मेरी हस्ती हुई कब खाक जरा याद नहीं। जरा याद नहीं। बहुत शुक्रिया, और अपनी महफिल में, इतनी खूबसूरत महफिल में मुझे शामिल करने के लिए और मुझे सुनने के लिए। और सुनाइए अभी कुछ शेर, कुछ शोर नायत कीजिए, और कुछ शेर नायत कीजिए। अच्छा मैं ठीक है।
खिजा रुतों में कोई मौसम बहार नहीं, हमको किसी का भी इंतजार नहीं, नहीं है हमको किसी का, वाह 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 का भी इंतजार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। कसम न खाइए आप अपनी बेगुनाही की, कसम न खाइए आप अपनी बेगुनाही की, खाइए आप अपनी बेगुनाही की, माफ कीजिए हमको तो एतबार नहीं, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत हमको तो एतबार नहीं, मैं कैफो कम को मोहब्बत के जानती हूँ मगर, मैं कैफो कम को मोहब्बत के जानती हूँ मगर, मुझे गुदाजे गमे ना रसाई बार नहीं, मुझे गुदाजे गमे रसाई बार नहीं, दिल एक शहरे तमाशा एक गिरिया ओ मातम, वाह वाह वाह, दिल एक शहरे तमाशा एक गिरिया वो मातम, मैं क्या कहूँ तो मेरे दिल को क्यों करार दी, कहूँ कि मेरे दिल को क्यों करार दी, तभी जो वो भी बरस जाए बादलों की तरह, तभी जो वो भी बरस जाए बादलों की तरह, तो रेगे दिल मेरी उतनी भी बख्तियार, बहुत शुक्रिया, सुरे के दिल मेरी इतनी भी बख्तियार नहीं, दिल आईने में संवरती है आरजू अंजुम, दिल आईने में संवरती है आरजू अंजुम, दिल आईने पे बहुत सुंदर, वाह बहुत सुंदर, दिल आईने पे मुझे कोई इख्तियार नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी समातों का, और बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अंजम उस्मान साहिबा, आप हमारे साथ थी पाकिस्तान से। अब हम इस मुशायरे की आखिरी कड़ी जो है, यानी महफिल सदारत जो थे जावेद बदायूं साहब, इनके हुजूर आते हैं। यूं तो ये फाइनेंस के पेशे से सुबकदोश हो चुके हैं, लेकिन कमाल ये है कि इन तमाम तर मशागिल के साथ इनका कलमी सफ़र जो है वो भी जारी रहा और शेर कहते रहे, और शेर भी इतने उमदा कहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो उम्र का तकाजा कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। जब हम इनके शेर सुनेंगे, मस्कत से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, मैं तमाम शोरा की जानिब से, तमाम नाजरीन और सामीन की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हुए इस्तदा करता हूं कि आप अपना कलाम और सदारती तासुरात भी पेश कीजिएगा। मोहसिन भाई, इससे पहले दो तीन शेर आप सुना दीजिए अपने। फिर कभी एहतराम कीजिए लोगों की ख्वाहिशात का, आप भी कुछ कलाम पढ़िए। चलिए जी, शुक्रिया, मैं पेश करता हूँ। गजलें कहने का वही है कि एक शर्फ हासिल है, शुक्रिया के मुझे भी ये सआदत हासिल है। गजल पढ़ता हूं कि समाप्त कीजिए। ये पढ़ता हूं, सितमगर के सितम सहिए किसे क्या फर्क पड़ता है, सितमगर के सितम सहिए किसे क्या फर्क पड़ता है, अंधेरों में पड़े रहिए किसे क्या फर्क पड़ता है। सितमगर के शुक्रिया, सितमगर के सितम सहिए किसे क्या फर्क पड़ता है, अंधेरों में पड़े रहिए किसे क्या फर्क पड़ता है, उसे तो नाम पे मजहब के करनी है सियासत बस, उसे तो नाम पर मजहब के करनी है सियासत बस, किसी को भी खुदा कहिए किसे क्या फर्क पड़ता है, किसे क्या फर्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। लटा के घर की इस्मत को छुपा के अपने चेहरों को,
लुटा के घर की इस्मत को, छुपा के अपने चेहरों को, झुकाए सर खड़े रहिए किसे क्या फर्क पड़ता है, झुकाए सर खड़े रहिए किसे क्या फर्क पड़ता है। और लिबादा आज ये शेर बतौर खास के, लिबादा आज बेशर्मी का ओढ़े है सहाफत भी, लिबादा आज बेशर्मी का ओढ़े है सहाफत भी, जो जी में आए वो कहिए किसे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। सियासत से अदालत तक यहाँ सारे ही बहरे हैं, सियासत से अदालत तक यहाँ सारे ही बहरे हैं, मुसलसल चीखते रहिए किसे क्या फर्क पड़ता है, किसे क्या फर्क पड़ता है। और मक्ता देखें कि हिमायत करने उठे हैं गरीबों की किसानों की, हिमायत करने उठे हैं गरीबों की किसानों की, मियां इरफान चुप रहिए किसे क्या फर्क। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं बसद खलूस मुल्तमिस हूँ सदर महफिल जावेद बदायूं साहब को ये इल्तमास करता हूँ कि वो आए और अपने तासरात और अपने कलाम से नवाजें। आप सब लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल जी आ रही है। सबसे पहले तो जावेद का सलाम कबूल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िम मशायरा ने बहुत इत्तेसाद से काम लिया, और एक मैं करेक्शन भी कर दूं, बेशक मैं मस्कत ओमान में तकरीबन 35 साल बसिलसिले रोजगार मुकीम रहा, लेकिन अब मेरी मुस्तकिल सुकूनत लखनऊ में है और मैं लखनऊ से ही आपसे मुखातिब हूँ। सैयद फरहान हैदर नकवी साहब का मरहून मिन्नत हूँ कि उन्होंने मुझे एक दिलकश महफिल में शिरकत का मौका फरहम किया। अमरोहा फाउंडेशन को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये तंजीम आइंदा भी खिदमत उर्दू में एक अहम मरकजी किरदार अदा करती रहेगी। दोस्तों, इन ऑनलाइन महाफिल की का सबसे बड़ा फैजान ये है कि बहुत से मोहतरम शुरा व शायरात जो हमसे बहुत दूर मकामात पर मुकीम हैं और जिनसे मुलाकात करना अब आसान नहीं, वो भी कुछ लम्हों के लिए हमारे करीब आ जाते हैं। बेशक वक्त एक तवील खुतबे की इजाजत नहीं देता, एक दो बातें शायद मैं कहना जरूरी समझता हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग इस महफिल में मुझसे छोटे ही हैं। कुछ शोरा बहर की तरफ तवज्जो ने बड़े अच्छे अच्छे शेर पढ़े, लेकिन चंद बिछड़े मैंने सुने जो वजन में नहीं थे। कोई बात नहीं है, कभी हम भी ऐसा ही कहते, तवज्जो दीजिए, हर चीज सीखने से आ जाती। और आप हजरात ने शोरा को दाद बहुत कम दी, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, जब तक मुशायरे में कुछ गर्मी ना हो, कुछ शायर को सताइश ना की जाए, उसकी पजीराई ना की जाए, तो इस बार आइंदा महफिल में भले आप मुझको दाद न दें, आइंदा महफिल में इन चीजों का ख्याल रखिए। अब आपको मैं शायरी की तरफ वापस ले चलता हूँ। मैं वैसे भी नस्ल का आदमी नहीं हूँ, शेर कहते तो जमाना क्या उन सारी उम्र ही गुजर गई। चंद अशार से शुरू करता हूं मैं, मुलायजा फरमाइए। इरफान साहब सुन रहे हैं शेर आप? जी बिल्कुल जी। मैं अर्ज करता हूं, क्या है एक रिश्ते हलाल, इसका नमूना हूं मैं। वाह गौहर, क्या है एक रिस्के हलाल, क्या है एक रिस्के हलाल, इसका नमूना हूं मैं, एक मजदूर के माथे का पसीना हूं मैं। एक मजदूर के माथे का पसीना हूं मैं और दिले नाशाद से, फरमान साहब देखें, दिले नाशाद से अक्सर ये सदा आती है। वाह, दिले नाशाद से
सदा आती है एक वीरान इमारत के सिवा क्या हूँ मैं, वीरान इमारत के सिवा क्या हूँ मैं, अब कोई सुनता ही न था मेरी गजल कहती रही, क्या बात, कोई सुनता ही न मेरी गजल कहती रही, कोई सुनता ही न था मेरी गजल कहती रही, कहती रही, साहिब फिक्र की कोशिश का नतीजा हूँ मैं, कोशिश का नतीजा हूँ मैं, साहिब फिक्र की कोशिश का नतीजा, दिले नाशाद से अक्सर ये सदा आती है एक वीरान इमारत के सिवा क्या हूँ मैं, कोई सुनता ही न था मेरी गजल कहती रही, साहिब फिक्र की कोशिश का नतीजा हूँ मैं। वाह वाह वाह, एक दो तीन शेर और रच करता हूँ। जी सर। न जाने कब से अंधेरों को हूँ संभाले हुए, न जाने कब से अंधेरों को हूँ संभाले हुए, मैं ऐसा घर हूँ न जिसमें कभी उजाले हुए, मैं ऐसा घर हूँ। मेरा अगला शेर आप तक पहुंच जाएगा, एल एफ एम का मजमा है, मैं जानता हूँ आप तक पहुंच जाएगा, कि जो अपने हाथों में अपने बिसात क्या होगी, जी मोहतरम, जो अपने जो अपने क्या, कोई और साहब भी बोल रहे हैं, कुछ आवाज नहीं, नहीं मोहतरम जी, ये आप ही की आवाज एको कर रही है, ये कहीं आप लोगों ने इसको फेसबुक पे डाला हुआ है, न जाने कब से अंधेरों को हूँ संभाले हुए, मैं ऐसा घर हूँ न जिसमें कभी उजाले हुए, वाह, और ये शेर देखिए पहुंच जाएगा, जो अपने हाथों में गौहर, जो अपने हाथों में हथियार हैं संभाले हुए, जो अपने हाथों में हथियार हैं संभाले हुए, मैं जानता हूँ वो सब हैं तुम्हारे पाले हुए, जो अपने हाथों में हथियार हैं संभाले हुए, मैं जानता हूँ वो सब हैं हमारे पाले हुए, मैं जानता हूँ वो सब हैं तुम्हारे पाले हुए। ये शेर जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ इरफान साहब, जी जी मोहतरम, इसमें मैंने एक दो का लफ्ज इस्तेमाल किया, उसको ज़हने आली में महफूज रखिए, वरना शेर का मजा नहीं आएगा। जी बिस्मिल्लाह। हमारी बस्ती में, हमारी बस्ती में, हमारी बस्ती, हमारी बस्ती में हर सम तब अंधेरा है, हमारी बस्ती में अब हर सम पहुंच जाएगा, साहब शेर पहुंच जाएगा बिल्कुल, हमारी बस्ती में हर सम अब अंधेरा है, बस एक दो ही मकान है जहां उजाले हुए, बस एक दो ही मकान, बस बस एक दो ही, बस क्या बात, क्या बस एक दो ही मकान है हमारे। देखिए मैं एक बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई अपने शेर को बड़ा कह रहे हो, नहीं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, ये शेर इसलिए बड़ा नहीं है कि मैं, मुझ नाचीज ने कहा है, ये शेर इसलिए बड़ा है कि मैं सबसे बड़ी जात से मुखातिब हूँ, बड़ी नहीं सबसे बड़ी जात से मुखातिब हूँ। अब सुनिए शेर, आप जानते हैं सबसे बड़ी जात किसकी है, तेरे चमन की, गौर साहब शेर देखें जरा, तेरे चमन की तमन्ना में बागमा अब तक, तेरे चमन की तमन्ना में बागमा अब तक, तड़प रहे हैं तेरे बाग से निकाले हुए, तमन्ना में बागमा अब तक, तड़प रहे हैं तेरे बाग से निकाले, बहुत दिल से मेरा दिल था कि मैं इब्ने आदम को शेर कहूं, बिल्कुल बिल्कुल, तेरे चमन की तमन्ना में बागमा अब तक, तड़प रहे हैं तेरे बाग से निकाले, तड़प रहे हैं, एक दो तीन शेर और उसके बाद छोटी सी गजल, ज्यादा मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ, तो थोड़ा सा उम्र का तकाजा। देखिए वो कहाँ और कहाँ आज के डरते हुए लोग, फरमान साहब सुन रहे हैं आप शेर, मोहतरम वो कहाँ, वो कहाँ और कहाँ आज के डरते हुए लोग, वाह,
जिंदगी कौम को दे जाते थे मरते हुए लोग। जिंदगी कौम को दे जाते हुए लोग, क्या बात, जिंदगी कौम को। ये शेर भी पहुंच जाएगा आप तक मोहतरमा। देखिए ये समंदर याद रहे कि अब कुछ इलेक्शंस भी हमारे सर पे आ गए हैं। रहने आली में ये बात को महफूज रखते हुए शेर सुनिए। ये समंदर कभी बन पाएंगे मुमकिन ही नहीं। ये समंदर कभी बन पाएंगे मुमकिन ही नहीं। एक कतरे की तरह है ये बिखरते हुए लोग। कभी बन पाएंगे मुमकिन ही नहीं। मुकर्रर भाई बहुत बड़ा। ये समंदर कभी बन पाएंगे मुमकिन ही नहीं। एक कतरे की तरह है ये बिखरते हुए लोग। और इंशाल्लाह ये शेर भी आप तक पहुंच जाएगा। बचपन में एक गाना सुना था, दुनिया एक सराय बाबा, तो सोचा क्यों ना उससे इस्तफादा किया जाए। अब सुनिए शेर। अगले दिन लौट के जाना है यकीनन उनको। अगले दिन लौट के जाना है यकीनन उनको। भूल जाते हैं सराय में ठहरते हुए लोग। भूल जाते हैं सराय में ठहरते हुए लोग। ये समंदर कभी बन पाएंगे मुमकिन ही नहीं। क्या बात है, कतरे की तरह हैं ये बिखरते हुए लोग। वो कहां और कहां आज के डरते हुए लोग। जिंदगी कौम को दे जाते थे मरते हुए लोग। अगले दिन लौट के जाना है यकीन उनको। भूल जाते हैं सराय में ठहरते हुए लोग। नस्बतन बहुत कम नाजुक शेर और बहुत सादा, मगर मुनफरद अशार में आमतौर पर इसका शायरी बहुत कम ही करता हूँ। बस ये गजल और उसके साथ आपकी मोहब्बतों के और आपकी समातों के हवाले और उसके साथ आपसे रुख्सत। मतलब देखिए, महाजे जंग पर मुझको किसी का डर नहीं होता। महाजे जंग पर मुझको किसी का डर नहीं होता, किसी का डर नहीं होता। कलम होता है मेरे हाथ में, खंजर नहीं होता, खंजर नहीं होता। वाह वाह वाह। महाजे जंग पर मुझको किसी का डर नहीं होता। कलम होता है मेरे हाथ में, पैर कुचल जाएगा मुझको। कलम होता है मेरे हाथ में, खंजर नहीं होता। वही मजदूर गौहर, वही मजदूर अक्सर चैन से सोता है सड़कों पर। वाह अच्छा है सर। वही मजदूर अक्सर चैन से सोता है सड़कों पर। सड़कों पर कि जिसके पास होती है थकन, बिस्तर नहीं होता। अक्सर चैन से सोता है सड़कों पर। क्या बात है, वाह वाह। जिसके पास होती है थकन, बिस्तर नहीं होता। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। अमूमन मैं इस शेर को खवातीन की नज़र कर देता हूँ। अब आज जो खवातीन थीं वो भी अपनी मसरूफियत के सबब जा चुकी हैं। हुनर भी जी नाचिस मौजूद है अभी तक, तो ये आपकी नज़र, आपकी नज़र, ये आपकी नज़र। और उम्मीद है आप इस शेर को कबूल फरमाएंगी। बात तो थोड़ी मैंने तीखी सी कही है, मगर बहरहाल कह दी तो कह दी। हुनर भी एक नेमत है, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। शेर देखिए, शेर देखिए। हुनर भी एक नेमत है, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। जो सोने का बना हो बस वही जेवर नहीं होता। हुनर भी एक नेमत है, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। जो सोने का बना हो बस वही जेवर नहीं होता। दो तीन आपकी जहमतें तमाम कि शिकस्त ने बिलखसूस मौजूदा हालात के पेश नजर, जो हालात हैं आपके जहन आली में महफूज हैं। शिकस्तें हक ने दी बातिल को, लिखा है किताबों में। शिकस्तें हक ने दी बातिल को, लिखा है किताबों में।
मगर इस अहद में ये मौजदा अक्सर नहीं होता। शिकस्तें हक में दी बातिल को लिखा है किताबों में, मगर इस अहद में ये मौजदा अक्सर नहीं होता। और ये बात मैं कुछ देर पहले भी कह चुका हूँ जो इस शेर में कह रहा हूँ, कोई आए के जाए शोर मचता है सराय में, कोई आए के जाए शोर मचता है सराय में, यहाँ किस लम्हे एक कोहराम का मंजर नहीं होता, वाह वाह, यहाँ किस लम्हे एक कोहराम का मंजर नहीं होता। और जो नौजवान इस बज़्म में मौजूद है, ये शेर उनकी नज़्म करता हूँ, हैं कुछ लोग, कनीज़े मुगले आजम गौहर, इरशाद इरशाद, कनीज़े मुगले आजम मरते मरते कह गई हमसे, कनीज़े मुगले आजम, कनीज़े मुगले आजम, कनीज़े मुगले आजम मरते मरते कह गई हमसे, मोहब्बत करने वालों को किसी का डर नहीं होता। क्या बात है भाई, बहुत उम्दा, कनीज़े, कनीज़े, क्या कहने वाला, कनीज़े मुगले आजम मरते मरते कह गई, मरते कह गई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है सर, करने वालों को किसी का डर नहीं होता। अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर हुआ, उसे आधा वर्ष है, आधा वर्ष है, बेहद शुक्रिया। आज की महफिल में शुरू से देखना उतनी जावेद भाई दुआ, जो जावेद भाई जो दुआ है आपकी, वो कोरोना से बचा दे, वो अगर इस वक्त मेरे पास नहीं है, होती तो मैं सुना देता, और कुछ चीजें फोन में है उन्हें मैं निकाल नहीं सकता, या तो आप पहले से कुछ कह देते। कनीज़े मुगले आजम मरते मरते कह गई हमसे, मोहब्बत करने वालों को किसी का डर नहीं, जिसे हक गोई की आदत हो वो भी जीत लेता है, जिसे हक गोई की आदत हो वो भी जीत लेता है, मगर जावेद ऐसा शख्स मसनत पर नहीं होता। बातिल को लिखा है किताबों में, मगर इस अहद में ये मौजा अक्सर नहीं होता। हुनर भी एक नेमत है, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, क्या बात है, वाह वाह, सोने का बना हो बस वही जेवर नहीं होता, कोई आए के जाए शोर मचता है सराय में, यहाँ किस लम्हे एक कोहराम का मंजर नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं नाज़िम मुशायरा से इल्तिमास करता हूँ कि इस मुशायरे के इख्तिताम का ऐलान फरमाएं। बहुत नवाज़िश भाई, बहुत 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 शुक्रिया आप तमाम हजरात का। मैं फरमान हैदर अमरोहा फाउंडेशन की तरफ से आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके हमारे आज के मेहमान खुसूसी और हमारे सदर जनाब जावेद बदायूनी साहब, मोहतरमा अंजुम उस्मान साहिबा जो हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी, उन लोगों ने हमें टाइम दिया है, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जावेद साहब भी मुसलसल अपने बिजी रहते हैं, और मोहतरमा अंजुम उस्मान के घर में आज तकरीब थी, उनकी भांजी की शादी है, उसके बदौलत उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उफ्फत ज़रीन साहिबा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। गौहर नकवी साहब ने हमें जावेद साहब से मिलवाया और खुद हमारे साथ जुड़े, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुमताज मुनव्वर साहिबा हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ी, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छे उन्होंने शेर हमें सुनाए। हमारे आबिद रशीद साहब शिकागो से हमारे साथ जुड़े, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और आबिद भाई की हमारे साथ सरपरस्तियां रहती हैं। तलत मदीर साहब पाकिस्तान से जुड़े और अब तक जुड़े हुए हैं, ये हमारी खुशनसीबी है, इतना टाइम आपने हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम गिलानी साहब हमारे साथ जुड़े, इफ्फत जहरा रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ी, राकेश दिलबर साहब हमारे बहुत अच्छे, मतलब हम लोग अभी तक मिले नहीं है, इंडिया में हो गए भी नहीं मिले, मगर बहुत अच्छे दोस्त हो गए, हमारी अक्सर बात होती तो काफी खुल के होती, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों से। और हमारे साथ सबसे बड़ी
प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग हमारी सरपरस्ती करने को तैयार रहते हैं, इसी वजह से हम लोग ये इतनी खूबसूरत महफिलें जुड़ जाती बन जाती महफिलें हम लोग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और अगर आप जैसे लोग हमारे साथ ना हो या हमारे साथ ना जुड़े तो ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और ऐसे ही हम आपकी सरपरस्ती चाहेंगे कि आप हमारे साथ ऐसे ही करते रहें ताकि हम अच्छा करें। इरफान आरिफ साहब ने बेहतरीन निजामत की और बहुत इख्तसार से काम लिया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इरफान आरिफ खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, प्रोफेसर हैं और कश्मीर के अंदर उर्दू की बहुत खिदमत कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ आबिद रशीद साहब हैं जो शिकागो में बहुत बड़ा इनका एक स्टेज है, बहुत बड़ा ये ऑर्गेनाइजर मशायरे और उर्दू की खिदमत में बड़े बड़े काम करते रहते हैं। मैं आबिद साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया। तलत मुनीर साहब की तबीयत के लिए दुआ करें कि और जल्दी से सही हो जाए, अभी काफी बीमार पड़ गए थे बेचारे, तो अल्लाह मियां इनको और सेहत दे और ये हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ते रहे और बहुत अच्छी शायरी भी की। मुमताज मुनव्वर साहिबा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई है। हालांकि सब जो हमारे साथ शायरात थी, इफ्फत जहरा रिजवी हो, चाहे इफ्फत जरीन साहिबा हो, चाहे मोहतरमा अंजुम उस्मान साहिबा हो, ये सब लोग हमको लेफ्ट कर चुके हैं, मगर डॉक्टर मुमताज मुनव्वर हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों ने बहुत अच्छी महफिल रही और आप लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। और आगे भी आप लोग हमारी सरपरस्ती करते रहे, यही हमारी आपसे दुआ है और इल्तिजा है कि आप लोग अगर हमारे साथ होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जावेद साहब का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि जावेद साहब ने अपनी इतने मतलब क्योंकि काफी एजेड है और बहुत टाइम निकाला और शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये इनका जो सदारत आपको दी गई थी उसके आपने फराइज बखूबी बहुत अच्छी तरीके से निभाए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आगे भी